सामान पहुंचाओ शौचालय बनाओ अभियान की शुरुआत सिमडेगा से हुई थी। महिला मंडल ने इस काम को पूरा करने का संकल्प लिया था और इस अभियान की सफलता से उत्साहित सरकार ने अब इसे पूरे झारखंड में लागू करा दिया है। सरकार का मकसद है इसके जरिए महिलाओं को स्वावलंबी बनाया जाए। रघुवर सरकार की तरफ से महिला सशक्तिकरण के लिए किया जा रहा प्रयास अब दिखने लगा है। सिमडेगा में शौचालय बनाने की जिम्मेदारी महिलाएं निभा रही हैं और खुद शौचालय बनाने का सामान भी ला रही हैं। कोलेबिरा ब्लॉक के बंदरचुआ पंचायत की ये तस्वीर है जहां महिलाएं मिस्त्री बनकर पीएम मोदी और सीएम रघुवर दास के सपनों को सच करने में लगी है। सरकार की पहल से इन महिलाओं को अपने पैरों पर खड़े होने का रास्ता मिल गया है और सबसे बड़ी बात यह है कि सिमडेगा में महिलाओं की इस सफलता के फॉर्मूले को रघुवर सरकार पूरे प्रदेश में लागू करने जा रही है। इस अभियान की सफलता को देखते हुए राज्य स्तर से भी सभी जिलों को सिमडेगा मॉडल को अपनाने का निर्देश दिया गया है। इस संबंध में पत्र आज मुझे भी प्राप्त हुआ है जिसमें कि सभी जिलों को यह निर्देश दिया गया है। सिमडेगा में महिला मिस्त्री को रानी मिस्त्री का नाम दिया गया है जिसकी तारीफ पूरे देश में हो रही है और झारखंड सरकार ने भी ये फैसला लिया है कि अब महिला मिस्त्री को रानी मिस्त्री के नाम से जाना जाएगा। इसके लिए 8 मार्च को सम्मेलन भी बुलाया गया है। पे काफी महिला मिस्त्री भी काम कर रही थी और उसको मैंने यहाँ पे रानी मिस्त्री का नाम दिया और उस नामकरण को भी काफी प्रशंसा की जा रही है और अभी जो राज्य स्तर से प्राप्त हुआ है पत्र प्राप्त हुआ है उसके हिसाब से सभी जिलों को अब जो महिला मिस्त्री है उसको रानी मिस्त्री के नाम से उसको नामकरण करने का निर्देश दिया गया है। रानी मिस्त्री का मानना है कि सरकार के इस प्रयास से उनका आत्मविश्वास बड़ा है। मिस्त्री का काम को हम लोग कर पा रहे हैं और पहले तो हम लोग को जानकारी भी नहीं था कि शौचालय किस तरह बनाना है, किस मॉडल का बनाना है, कैसे करना से बनता है, लेकिन अभी हम लोग को पूरा जानकारी हो गया और हम लोग का कोलंडेगा में बीओए को मिला था 31,000, उसमें से हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। सामान पहुंचाओ, शौचालय बनाओ अभियान में महिलाओं की भागीदारी की बदौलत सिमडेगा को 5 मार्च तक ODF करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं दूसरी तरफ रघुवर सरकार अब रानी मिस्त्री को ट्रेनिंग देगी जिससे वो और महिलाओं को इस मुहिम से जोड़े जिससे स्वच्छ भारत स्वच्छ झारखंड का सपना जल्द पूरा हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।